डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एक और एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस यूजिंग सोनोमीटर। ठीक है, तो इसके एपरेटस मैं इसके बाद दिखाऊंगा। यहाँ बोर्ड पे भी डायग्राम बनी है, उसके बारे में दिखाऊंगा। सोनोमीटर होता है हॉलो बोर्ड, वुडन बोर्ड होता है 1 मीटर का। ठीक, इसमें ये होल्स होते हैं यहाँ पर, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके साथ ये होते हैं वुडन ब्रिजेस। ठीक, ये इन पर ये तार जो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम यहाँ एसी को इसको देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बन जाता है और डिमैग्नेटाइज होता है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल एसी जो है वो एक साइकिल दो बारी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ इसमें मैग्नेटाइज होके आहिस्ता आहिस्ता डिमैग्नेटाइज हो जाती है यहाँ पर, फिर मैग्नेटाइज होके डिमैग्नेटाइज हो जाती है। यानी एक एसी साइकिल में दो बार मैग्नेटाइज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और दो बार मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ये तार के साथ करीब कुछ फ्यू मिलीमीटर ऊपर होता है, ये तार सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, तो एक साइकिल में इस तार को ये वाइब्रेट अट्रैक्ट करके वाइब्रेट करवाता है दो बार एक साइकिल में। ठीक, ये तार जो होती है ये एक पुली से जाती है नीचे, और यहाँ पर स्लॉटेड वेट हैंग किए जाते हैं। स्लॉटेड वेट्स क्या होते हैं वो भी हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसको हम लगाते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो हमारी एसी होती है वो 220 वोल्ट की होती है, वो स्टेप डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको हम 2 से 10 12 वोल्ट तक नीचे ले आते हैं। ठीक, ये क्लैंप स्टैंड है, इसमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम मैचेस विद द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव्स इट, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फीचर एंड दैट वाइब्रेटिंग सिस्टम ऑसिलेट्स विद एन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर अ पेंडुलम। ठीक है, अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है कुछ मिसाल के तौर पर n है, अगर हमने यहाँ पर ड्राइव फ्रीक्वेंसी लगाई जो इसको मूव करवाएगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी सेम तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से जो एसी यहाँ पर आती है जब ये मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होता है तो ये ऑसिलेट करने लगती है। ठीक, एट रेजोनेंस जो इस मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइजेशन जो एसी की मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये जो लेंथ इसके दरमियान ब्रिजेस के दरमियान, अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके साइकिल यानी मैग्नेटाइजर डिमैग्नेटाइजेशन के साथ मैच करे तो तार एक सेगमेंट में वाइब्रेट करती है और हमें एक लाउड साउंड मिलता है, तो हम कहते हैं कि भाई रेजोनेंस ऑकर हो गई। ठीक, तो अब इसमें फार्मूला वाइब्रेटिंग वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट डिपेंड्स अपॉन 1/2L रूट टी बाई एम। अब अलग अलग टर्म, एल होती है रेजोनेंट लेंथ जो यहां पर जब ये मैक्सिमम वाइब्रेट करेगी रेजोनेंस हो जाएगी। व्हाट इज टी? टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या होता है? चूंकि हमने यहां से स्लॉटेड वेट यहां लगाए हैं तो उसकी वजह से mg वेट नीचे डाउन एक्ट करेगा तो टेंशन ऊपर होगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, और ये म्यू। ठीक, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी जो तार है इसकी यूनिट लेंथ में कितना मास है, हम इसके तार को हम मापेंगे और उसको वेह करेंगे, वहां से जो निकलेगा वो हमारा आएगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटिंग वायर की, चूंकि ये एक साइकिल में दो बारी जो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होती है तो हमारी जो एसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी है वो हाफ इसकी होगी, क्योंकि ये दो बारी एक साइकिल में ऊपर नीचे करती है। तो जो एसी जो हमारी आती है डोमेस्टिक एसी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ यानी 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये जो है जो उसकी एसी की फ्रीक्वेंसी लेट अस से दैट इज एफ दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंड
divided by 2, that will be equal to, that will be equal to 1 by 4L, क्योंकि इसका half 4L T by M, T by mu, ठीक है. So ये frequency हमें जो AC है, domestic AC की, वो निकालना है, ठीक. So this was this construction. अब हमको directly आपको apparatus पे ले जाएंगे, वहां दिखाएंगे, ठीक. देखिए जो apparatus आपको देखने हैं, apparatus क्या क्या है, ये sonometer है, ये इसकी जो scale है ये 1 meter लंबी है, उस पे यहां से हुक्स लगे होंगे जिसमें हम तार बांधेंगे, और ये है उसकी पुली, इस पे हम तार ऊपर बांधेंगे. ये दो ब्रिजेस हैं जो इस पर हम रखेंगे, ठीक. ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये 2 12 वोल्ट तक जाता है, 2 से 12 वोल्ट तक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हमने बांधा है इस एसी से, यानी जो एसी आएगी, जो डोमेस्टिक एसी आएगी यहां, तो उसमें लगा देंगे, ये इसको वोल्टेज को डाउन करेगा जितनी हमें चाहिए, 12, 10, 2, 4, 6, 8, 10 वोल्ट, ठीक है ना. इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इट स्टेप्स डाउन द वोल्टेज जो हमें एसी मेज में आती है. ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट. जब करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेटाइज होता है, एक साइकिल में 2 बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होता है, ठीक. उसके बाद ये आपका है, ये है आपका क्लैंप स्टैंड. क्लैंप स्टैंड में हम इसको बांध कर देंगे, ठीक. और उसके बाद ये है सॉफ्ट आयरन वायर जो इसमें लगेगी. ये वायर है, अगर आपको दिखाई देती होगी, ये सॉफ्ट आयरन वायर है, ठीक. ओके, तो इसको हम, इसकी लेंथ मापनी है और इसका मास निकाला, ताकि हमें मास पर यूनिट लेंथ पता चले, ठीक है. और ये है स्लॉटेड वेट्स, ये इसमें हम डालेंगे, एक एक आधा किलो का है ये, हमने निकाला इसमें से. देखिए ये स्लॉटेड वेट्स हैं, तो ये आधा आधा किलो है, ये हम इसमें से इसमें डालेंगे. और हैंगर बजाते खुद जो है वो आधे केजी का है, ठीक है. ये सब इसमें निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, ठीक है. ये आधा किलो हैंगर है, ठीक, स्लॉटेड वेट्स. और ये है आपकी वेइंग मशीन, जिससे हम वेट करेंगे, जो वायर है उसको हम वेट करेंगे. ये है आपकी मीटर स्केल, जिससे हम तार की लंबाई मापेंगे, ठीक. को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आए, देखिए, ये है आपका सोनोमीटर, हॉलो, ये वुडन बोर्ड है. ये हॉलो क्यों होता है, जब रेजोनेंस आवाज आती है तो उसको ये एनहांस करता है, ये इसके होल्स होते हैं, ये मुझे असिस्ट कर रहे हैं यहां पर. ये सर गुलानबी आवाज सर, ठीक है. ये यहां पर है इसकी जो लंबाई, जो स्केल लगी है, जब रेजोनेंस लेंथ मापेंगे तब ये 1 मीटर स्केल है, वो यहां से मापेंगे. ये तार की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर स्केल. ये हो गए आपके वुडन ब्रिजेस, ये यहां पर रखने हैं. ये हो गए स्लॉटेड वेट्स, ठीक, स्लॉटेड वेट्स ये हो गए. ये है आपका क्लैंप स्टैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है. और ये चीजें हमें देखनी है. अब हम पहले मास पर यूनिट, पहले इस तार की जो रेजोनेट करेगी, रेजोनेंस कब होती है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी चीज की और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो उसको चलाती है बराबर हो, तो तब वो चीज, अगर वायर हो, जो भी चीज हो, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है, ठीक. अब हम इस वायर की क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, इसको हम डालेंगे इसमें वेट, नशीब किलोग्राम तो वायर है, इसका हम वेट लेंगे कितना है, ठीक. तो ये वेइंग मशीन है, इसको हम किलोग्राम में देखेंगे, पहले 0-0 सेट करेंगे. तो ये देखिए यहां पर हमने डाला, देखिए अब हमने इसको वेट किया, तो जो वायर जो वाइब्रेट करेगी, इसमें लगाएंगे सोनोमीटर में, उसका हमें मास निकला
मास एम निकला, हम नोट करके कॉपी पे रखेंगे फिर बोर्ड पे दिखाएंगे, 0.007 केजी, ये हमने नोट करके रखा, ठीक, 0.007 केजी। अब उसके बाद हम करेंगे ऑफ करेंगे, अब इसकी लंबाई मापेंगे, एल लेंथ। अच्छा अब हम इसको मापेंगे स्केल से, इस वायर को रखेंगे, इसमें किंक्स नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये अभी 1 मीटर पूरी स्केल है, 1 मीटर निकला, और फिर बाकी मापेंगे तो वो निकलता है हमें 1 मीटर 41 पॉइंट्स, ठीक है। अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो लेंथ हमारी क्या निकली, 1. ऐसा यूनिट हमने इस्तेमाल किया, 1.1 मीटर। अब हम मास पर यूनिट निकालेंगे, म्यू दैट इज मास डिवाइड बाय लेंथ, वो कितना आएगा, 0.007 डिवाइड बाय 1.41। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और बोर्ड पे बाकी करेंगे। ओके, हमने देखा कि जो लेंथ है वो हमने मापी, अभी आपको दिखाई थी वो कितनी है, वो हमने एल देखा, वो जो अभी आपको दिखाई थी वो लिखा 1.41 मीटर। मास ऑफ द वायर भी हमने देखा, मास कितना था उस इतने तार का, वो हमने देखा इट वाज 0.007 केजी। देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ, देखिए अब हम कैलकुलेट करेंगे मास पर यूनिट लेंथ, म्यू दैट इज मास डिवाइड बाय लेंथ, मास कितना है 0.007 केजी डिवाइडेड बाय 1.41 मीटर। तो ये जब कैलकुलेट हो जाएगा इट कम्स आउट टू बी, जो हमने कैलकुलेट करके रखा, इट कम्स आउट टू बी 0.005 किलोग्राम पर मीटर। अब हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे, ठीक, वहां से हम आपको वो कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। देखिए अब जो हमारा है, अब जो हमारा ये एपराटस यहां पर लगा हुआ है, ये देखिए ये आपका सोनोमीटर है, ठीक, इसके यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है और तार जो है ये देखिए, हाँ तार लगभग कुछ फ्यू मिलीमीटर इसके ऊपर, ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक, इसको हमने यहां इसके साथ जोड़ा है, ये जो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक, इनपुट कितना है 220 वोल्ट और आउटपुट देता है 2 से 12 वोल्ट, ठीक, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ऑन एंड ऑफ, ठीक। यहां से ये तार पुली पे गई है, पुली से लीके यहां हैंगर से, यहां हैंगर में ये हैंगर इसको लटका हुआ है, और हम इसमें बाद में ऐसे वेट्स इसमें डाल देंगे, ठीक। तो ये ब्रिजेस है, तो ये हो गया आपका, ये इसके स्केल लगी है, ठीक, 1 मीटर की स्केल लगी है, तो उसे हम पोजिशन निकालेंगे इन ब्रिजेस की, ठीक। तो पहली ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, ठीक, तो यहां से हम डालेंगे, देखिए अभी हम डालेंगे यहां सारे वेट्स पहले डालेंगे, आधा किलो तो ये हो गया, ठीक, आधा फिर डाला हो गया 1 केजी, ये हो गया 1.5 केजी, ये हो गए 2 केजी, ये हो गई 2.5 केजी। तो पहले हमने इसमें कितना डाला, हैंगर में कितना वेट है, 2.5 केजी, ठीक। देखिए अब हम यहां पर नोट करेंगे, पहला जो हमने डाला यहाँ पर प्लस क्या ना, सुन, लोड जो प्लेस किया हमने यहां पर, लोड जो प्लेस किया यहां पर कितना हैंगर में किया, 2.5 केजी, ठीक, केजी में है। अब टेंशन कितना होगा, 2.5 × 9.8, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वो बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक। अब यहां पर है रेजोनेंट लेंथ एल सेंटीमीटर्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मीन, ठीक, तो फिर यहां पर फॉर्मूला, तो अब हम रेजोनेंट लेंथ निकालेंगे, हाँ ये जो है पावर ऑन करेंगे, अब हम यहां देखेंगे रेजोनेंस, यहां पर हमने राइडर दिखा, आप आवाज भी सुन सकते हो लेकिन राइडर से आपको पता चले, देखिए ये वाइब्रेट, देखिए ये वाइब्रेट कर रहा है, हम इन वैल्यूज को पीछे ले जाएंगे, जब ये वाइब्रेट मैक्सिमम करेगा तो ये इसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक। अब देखिए आराम से, ये हो गया इंक्रीजिंग वाली, ये थोड़ी मोटी आयरन की है तो इसमें वाइब्रेशन आपको आवाज सुनाई देगी, वरना
अगर छोटी वायर होती तो हम उस पर राइडर रखते, तो राइडर रखने की जरूरत नहीं, अब आवाज सुनोगे। ठीक, देखिए जब रेजोनेंस हो जाएगी, देखिए ये जो तार है वाइब्रेट करने लगी, वो कैसे पता चलेगा, देखिए राइडर अगर इस पे मैं रखूं तो ये देखिए ये इस पे वाइब्रेट कर ये गिर जाता है। ठीक, तो ये रेजोनेंट लेंथ हो गई। अब हमें देखिए आवाज आवाज सुनिए, ठीक, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। अब हमें नोट करना है यहां पर रीडिंग वेज कहां पर है, देखिए ये थी यहां पर, देखिए यहां पर देखिए पूरा करिए फोकस, देखिए यहां जो वेज है वो 34 पे है, ठीक, और यहां पर जो है अनस अनस भी नजदीक, यहां पर 70.5 है और यहां पर पहला जो है वो 34 पर है। ठीक, तो अब हम इनकी क्योंकि X2 माइनस X1 वो इस तार की ये हो गया X2, ये यहां पर हो गया X1, इन दो की जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो इसकी रेजोनेंट लेंथ देगा। ठीक, इन ये दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कितना था हमारा सर जी, कितना था सर, 70.5, इन दो को हम यह लेकर देते था बस, इन दो की हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आता है आपका 70.5 छस माइनस 34, तो वो आएगा आपका पॉइंट दाने पांच थे दाने चौर थे शने त्रे थे 34 ही त्रे। ठीक है, तो ये आता आपका इंक्रीजिंग में, हम यहां पर निकालेंगे 36.5। ठीक है, और अब डिक्रीजिंग करेंगे, अब डिक्रीजिंग में जाएंगे, हम डिक्रीजिंग में जाएंगे, अब हम इसको थोड़ा वैल्यूज को पीछे लेंगे, देखिए आवाज बंद हो गई, आप सुनिए कोई आवाज नहीं, अब फिर से हम लाएंगे इसको, देखिए फिर से आवाज आ गई, यानी रेजोनेंस हो गई। अब फिर से नोट करेंगे टू एंड पोजीशंस, एक है अभी 66 पे है, ठीक 66, और दूसरा 32, सो 66 माइनस 32 दैट इज 34, ओके, सो दूसरा है 34। ठीक है, तो इन दो की हम मीन निकालेंगे, दैट इज दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 36 दैट इज 70.5, तो 70.5 का इन दो को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, 70. दैट इज 35, इन दो का मीन, ठीक है 35.25। ठीक है, फिर यहां फॉर्मूला लेंगे, वो आपको बोर्ड पे दिखाएंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से 1 kg काम करेंगे, ठीक, यानी दो वेट्स में निकालूंगा, अब रेजोनेंस लेंथ चेंज हो जाएगी, अब फिर से हम यहां रेजोनेंस निकालेंगे, तो यहां फिर से लाएंगे इसको, देखिए हम फिर से पीछे करें, दैट इज इंक्रीजिंग लेंथ, देखिए रेजोनेंस हो गई, देखिए अगर हम इस पे ये डालेंगे आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रही है कि नहीं, देखिए ये इस पे रहता नहीं, वो राइडर गिर जाता है। ठीक, तो अब हम फिर से नोट करेंगे, अभी ये यहां पर 65.5 और दूसरा एंड है 36, सो 65.5 माइनस 36, सो इट कम्स आउट टू बी 60, कितना था 36, दैट इज 30.5। ठीक है, ये आ गया आपका, तो ये था 60, तो 30.5, ये हमारा कितना है 1.5 kg, ये वेट हो गया आपका 1.5 × 9.8, ये कितना निकला हमारा 30.5। ठीक है, अब फिर डिक्रीजिंग करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को फिर से पीछे ले जाएंगे, अब हम इनको वापस ले जाएंगे, तो जब तक रेजोनेंस हो जाएगी फिर से, मतलब देखिए
देखिए फिर से रेजोनेंस हो गई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, तो फिर से नोट करेंगे यहाँ पर 34.5 है वेज, यहाँ पर है 64, तो 34-60 दैट इज 34.5, सो इट विल बी 30.5, ठीक है, अगेन इट इज 30.5 लेंथ जो है बिटवीन द टू वेजेस, तो मीन इनका निकलेगा वही 30.5, ठीक। नेक्स्ट, अब हम यहां वेट काम कर लेंगे, देखिए हमने वेट काम किया, देखो रेजोनेंस की आवाज खत्म हो गई, अब हम इसमें आधा केजी रखेंगे, कितना आधा केजी, ठीक है, अब हम फिर से इसमें रेजोनेंस करवाएंगे, देखिए देखिए अब आधे केजी पे फिर से आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 43 और यहाँ आ रहा है 62.5, सो इट विल बी, नहीं नहीं एक मिनट, और 62, सो वो कितना हो गया, 1 और 62, दूसरा तो लैंग्वेज क्या आएगी, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, दूसरा 43.5, तो कितना आएगा, ये आएगा 5, ये तो कहने तरह तो 8, ऐड करो 5 और 4, 18.5, ठीक है, मस्त का तो 18.5, ठीक है, तो आप हमारा कितना था आधा केजी, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, ये हो गया आपका 0.5 × 9.8, यहाँ आ गया 18.5, ठीक। अब हमने दूसरी रीडिंग भी ली, उसका भी यही निकला 18.5, अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मीन भी आएगा 18.5, तो अब आपको बोर्ड पे दिखाएंगे रेस्ट, ओके। अच्छा देखिए, अब जो हमने उधर ऑब्जर्वेशंस दी, अब हमने यहाँ पर वो इंसर्ट की है, देखिए यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर 1, 2 और 3, लोड प्लेसड इन हैंगर, यानी कितना लोड हैंगर में हमने दिया इन केजीज, पहली आपको पता है पहली ऑब्जर्वेशन में हमने 2.5 केजी, दूसरी में 1.5 और तीसरी में 0.5, तो टेंशन क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, तो SI यूनिट में ये कितना है 9.8, सो 2.5 × 9.8 ये बनता है 24.5, यहाँ पर 1.5 × 9.8 वो बनता है 14.7, यहाँ 0.5 जब आधा केज हैंग किया था तो 0.5 × 9.8 दैट इज 4.9, इनको मल्टीप्लाई करके जो हमें वहाँ रेजोनेंट लेंथ निकली थी ये हो गई थी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो इन दोनों को ऐड करके इनका मीन 35.5 सेंटीमीटर cm में है ये, ठीक। यहाँ पर दूसरी 30.5, तो मीन भी आया 30.5, 17.0, दूसरे वहां हमने 18 दिखाया था, वो असल में था 18.5, वो असल में था 17, ठीक, 17, तो मीन भी आ गया 17, तो अब इस फॉर्मूला में देंगे 1/4 L, ठीक है, तो F1 पहली जब इस पे कहां रेजोनेंट हुई, तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, 1/4 रेजोनेंट लेंथ L कितनी है 35.5, तो ये लिखा हमने 35.5, और यहां हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इससे मीटर में करने के लिए, तो टेंशन हमारा T, यहां हमने वैल्यू दिखा है कितना 24.5, तो यहां लिखा डिवाइडेड बाय जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था मास पर यूनिट जो कैलकुलेट किया था 0.005, तो ये निकला 49.65, ठीक। इसी तरह से यहां पर भी हमने इन रेजोनेंट लेंथ की यहां पर दे दिया, तो इसी तरह से कैलकुलेट करके 44.44 हर्ट्ज, यहां से तीसरे पर भी हमने किया 46.3 हर्ट्ज, फिर इन तीनों का दिस एंड दिस इसका मीन निकाला हमने F1 + F2 + F3 / 3, तो जब हमने मीन निकाला वो निकला आपका 46.71 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 47 हर्ट्स, तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू जो होता है 50 हर्ट्स, उसमें वेरिएशन आती है कभी कम भी होती है, ठीक, तो हमने अब लिया चलो 50 हर्ट्स ही है, तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारा कितना निकला 47 हर्ट्स, तो डिफरेंस कितनी आई 3 हर्ट्स की,
तो एरर परसेंटेज क्या हो गया, कितना हमें एरर आया, किस पर एरर आया, 50 पर एरर आया 3, तो परसेंटेज क्या इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल बी 51 जा 52 जा 23 जा 6%, दिस इज ये हम इतना हो सकता है एरर, या वही से काम फ्रीक्वेंसी हो उस वजह से काम आया। ओके, थैंक यू।